चिरी है ये वो मिल जाए और ये आपको नहीं करूँगा जस्ट नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ये लो एंड मिल जाए ठीक है जी 140 rupees kg के अंदर ये जो आपका जो पेपर है ये इन बिटवीन ये कोई 150-155 के अंदर ये फॉल कर रहा है देखिए मुझे पता चल जाए कि मैं अगर तो मेरा मुकाबला बुल्स के साथ है तो मैं बुल्स के साथ प्रिपेयर हो गया हूँ और इफ़ आई एम कंपेयरिंग विद स्टैग्स तो मैं स्टैग्स के साथ कंपेयर करूँ अपने आप को तो वो अब मेरी बात समझ है ना कि मुझे अगर तो मुझे मियो हॉस्पिटल को देखना है तो मियो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स कुछ और अगर मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल को देखना है तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स कुछ और वो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है मैं दोनों का काम कर रहा हूँ मैं हमीद लतीफ़ का भी काम कर रहा हूँ अच्छा अब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है मियो हॉस्पिटल का अब ये चैरिटी का काम है ये किसी बंदे ने कहा कोई बात नहीं आ रहा आप लोग मैंने पैसे आज कल है ना आप लोग खाते ठीक है जी वो गुड फॉर अस के यार हमने तो देखे मैंने अपनी सफर से प्रिंटिंग लेनी है मैंने लेबर लेनी है पेपर मैंने भी मार्केट से परचेज करना अगर पेपर देखें मुझे अगर आपका पेपर आप 140 rupees वाला पेपर लेते हैं तो मैं 140 का पेपर वो पेपर मर्चेंट को दूंगा पेपर लाऊंगा उसको प्रोसेस करूंगा और आप अगर आप 200 वाला पेपर कहेंगे मैं 200 वाला पेपर लेके आऊँगा मेरी सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम रहेंगी अब इसके अंदर 140 और 200 के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस गैप है जब कंपटीशन हो रहा था क्योंकि नई जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे आपका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा जो बरीकी में बहुत ज़्यादा आप जा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं क्योंकि आप एक नया काम कर रहे हैं पैशनेट ज़्यादा होते हैं आप देख रहे होते हैं कि यार पैनी भी कहीं से बचते तो बचा लीजिए अब मुझे जो आपके साथ जो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपके साथ जो बात कर रहा था कि आई वॉन्ट टू डू योर जॉब तो अब लेकिन मुझे ये पता चलता है कि आई एम फाइटिंग विद द स्टेग्स और आई एम फाइटिंग विद द बुल्स वेल लेट्स जस्ट से वी वांट टू बी द बुल्स बट वी आर नॉट क्या वो देखिए वो एक दो आप मेरा मतलब समझ गया ना कि वो देखिए मैं अगर तो फाइन जॉब अगर आप कर रहे हैं तो मैं फाइन पेपर में आई लाइक द पेपर बट इफ़ यू से 1000 कॉपियाँ 1200-1300 रुपए की हैं तो मैं ज़रा सा हिलूँगा मैं कहूँगा मैं आपको अभी बता दूँ मैं बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो वो आपको पहले एकदम मार्केट में पढ़े लिखे लोग नज़र आए हैं मैं आपको अभी एक मिनट में अभी आपको बता Both sides, both sides, both sides, yeah. A4 size, both sides, yeah. In single guy. सो जो आप हमीद लतीफ़ा कर रहे हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल मियो का ये सारे डायरेक्टली आपके पास आए हैं या मिडल मैन उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ जो मियो हॉस्पिटल के अंदर कुछ अवार्ड्स हैं जिनको हम डोनेट करते हैं ईस्ट मेडिकल अवार्ड बोलने वाला था ईस्ट मेडिकल अवार्ड में डॉक्टर आदिल साहब हैं तो वो उनके साथ क्योंकि मेरे भिड़े भाई हैं उनकी दोस्ती है तो वो उनको हम जो है ईस्ट मेडिकल अवार्ड को हम वो हम अपनी तरफ से करते हैं फिर इसके अलावा कुछ जो लोग हैं वो जो हमसे प्रिंट करवा के उनको देते हैं मियो हॉस्पिटल हमें डायरेक्ट पेन कर रहा था हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर तल्हा हैं डॉक्टर आदिल हैं उनके फाइल फोल्डर उनके प्रेस्क्रिप्शन नोट्स वगैरह वो चीज़ें वगैरह बनते हैं एक हमारे दोस्त हैं वो फाइल्स बनवाते हैं हमीद लतीफ़ की जनरल फाइल जो बनती है वो हम बनाते हैं इसी तरह जो डॉक्टर हॉस्पिटल है उधर भी कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी हम उनकी स्टेशनरी वगैरह बनाते हैं सो इंडिविजुअल डॉक्टर्स पर जो हॉस्पिटल का प्रिंट मैं वुड इट बी बिकॉज के आप एक्सपेंसिव साइड नहीं नहीं शायद मेरा ख्याल ये है कि वो हॉस्पिटल के अंदर होता ही है कि जब आपका एक किसी बंदे के साथ सप्लायर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है आप सप्लायर स्विच नहीं कर रहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो किसी भी तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो आप स्विच नहीं कर रहे होते
शायद उसकी वजह शायद ये। तो मैं ज़रा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तलहा मेरा नाम है। सो वी वेंचर्ड इनटू यू नो बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। जनरल हॉस्पिटल लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अपोजिट है, इसका नाम लाहौर केयर हॉस्पिटल है। ऑलमोस्ट 90 बेडेड हॉस्पिटल है, पार्ट चैरिटी होएगा इंशाल्लाह। तो तलहा भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 1000 शीट्स होंगी, इट मस्ट बी इन 100 शीट्स पैड, 10 पैड्स ऑफ 100 शीट्स, इस तरह भाई साहब वो टोटल कर देंगे सही। आप लोगों का फैमिली बिजनेस लग रहा है बहुत पुराना। मैं बात और फैन नहीं, मैं जी ऑरिकल सर्टिफाइड प्रोग्रामर हूं, भाई चार्टर्ड ग्रुप में बीमारी है। जबरदस्त, सब कुछ छोड़ के यहां आ गए, अपना बिजनेस अपना। बिल्कुल सर, होटल भी जलवाने हैं, दूसरों पे काम नहीं है। बिल्कुल सर, होटल हमने पार्टी को, और जो पार्टी का जो है ना चूजा, चूजे से ज़्यादा बाजा तो वाह गए हो गई। अपन पेन दे ना आप, अगर लिखते जाए हमने इसकी कहाँ गए हो गई। अगर आप सेम इसी पेपर के ऊपर करवाते हैं, ये पेपर जो है ये 50 ग्राम्स इम्पोर्टेड पेपर है, और इसका जो पैड साइज होगा होगा 11.5 by 8.5, 11.25। ठीक है जी, और ये 10 पैड्स होंगे आपको, ये ऑलमोस्ट आपको 375 रुपीज़ का एक पैड, 10 पैड्स 3750 के पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर मैंने स्पेक्स डाल दी हैं, मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। अगर हम इसके अंदर ये लोकल पेपर के ऊपर जाते हैं, लोकल पेपर अगर हम लोकल पेपर 68 ग्राम्स लो फिनिश पेपर, आपने ना भाई मुझे बर्दाश्त नहीं के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो ये पैड आपका 370 रुपीज़ का, 360 रुपीज़ का, 360 दैट मीन्स 3600 रुपीज़। आप इसी के अंदर बिल्कुल एक जो ये 68 ग्राम पेपर थोड़ा बल्क में था, अगर आप ये वाला पेपर जो है ये 63 ग्राम आजकल शॉर्ट है, मुझे मार्केट से चेक करना पड़ेगा, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद ये वाला पेपर है ये 55 ग्राम हाई फिनिश, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें करवाते हैं तो ये आपका वही ऑलमोस्ट जो आपका रेट आएगा 355 रुपीज़। ये बोथ साइड प्रिंटेड होंगे और 100 शीट्स का पैड होगा विद टॉप कवर और नीचे। बिल्कुल, अगर आप इसके अंदर इसका अगर आप साइज चेंज करते हैं, अगर आप फुल स्केप के ऊपर जाते हैं, ये एग्जिस्टिंग ये वाले साइज है, ये तो A4 साइज है ना, ये A4 है, जो A4 साइज का है। और ये क्या साइज होंगे, 11 ये A4 साइज। ठीक है, आप हो गया है, ये ऐसे नहीं मिला मुझे, क्योंकि इसकी कटिंग क्योंकि हम बाद में कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्ट फैक्ट्री कट A4 नहीं होता, थोड़ा सा कोई बिल्कुल जो मिलीमीटर्स का कोई फर्क आ सकता है, लेकिन नियर टू A4। अब जो मैं आपको साइज बता रहा हूँ, ये साइज होगा आपका फुल स्केप साइज होगा 13.25 बाई 8.25। अगर इसके अंदर आप अगर आप करते हैं 55 ग्राम्स जो ये पेपर मैंने आपको दिखाया, ज़्यादातर वैसे जो हमारे मियाँ हॉस्पिटल में काम होता है वो इस पेपर पे, इसके ऊपर अगर आप करवाते हैं तो ये आपका 365 रुपीज़ का पैड मिलेगा। मुझे कौन सा बटन छेड़ना है और फिर उसके बाद वही 68 ग्राम से हम जाते हैं, और अगर हम इम्पोर्टेड पेपर 50 में जाते हैं तो वो 380 रुपीस का। कोई हमें कहे साल के तौर पर, तो मुझे एक और चीज़ वो मशीन काम कर रही है, मुझे तो और मैं परी फराज को अलर्ट कर देता हूँ, इसने बाद में ये कह के जान छुड़ानी, मैं मनु साहब को दस रहा था, ऐसे ही होता ना। मैं तारिक साहब को बता दूँ, तारिक साहब लोग तारिक साहब ये बंदा मेरे पास आया था और ये इस कहानी में आया था कि जी मैंने मनु साहब को दस रहा था। ये इम्पोर्टेड 70 ग्राम है,
इसको कवर करना है, अभी पकड़ लें इसके रेट तो नहीं चाहिए ये भी बता रहा हूँ। मैं हाँ मैं चलान भी लगाऊंगा, मैं तो मेरे चलान लगाऊंगा यहाँ पे इम्पोर्टेड 70 ग्राम में 415 रुपये का एक पैड, 4150 रुपये का। अगर कोई कह रहा है यदि मेरी मनसा से बात हो गई 40,000 चीज मुझे फुल स्किप साइज इसी के ऊपर आप A4 पे चले जाते हैं। नहीं मैंने आपको रफ एस्टिमेट्स वगैरह दिए, एक जस्ट वो मैं साइज चेंज कर रहा हूँ वो मैं सो ठीक है जॉब।